नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमिक्स बाज में। एक बार फिर मैं आपका दोस्त कॉमिक्स बाज लेकर के आ गया हूँ मैंने मारा ध्रुवको का संयुक्त संस्करण, जो कि एक हार्ड बाउंड कलेक्टर एडिशन है। तीन कॉमिक्सों का कलेक्शन है दोस्तों ये। इसमें हमें मैंने मारा ध्रुवको, महामानव की गवाही और हत्यारा कौन, तीन कॉमिक्सें देखने को मिल जाती हैं। इनिशियली जब ये कॉमिक्स आई थी तो इसमें केवल दो ही पार्ट थे, मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन, जिसमें कि बाद में हमें महामानव की गवाही भी इसमें ऐड की गई थी, जो कि इस कलेक्टर एडिशन में आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों कवर पेज पर जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे इसमें ध्रुव के विलन्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं ध्रुव के अलग अलग इसमें जो कॉमिक्स के बीच से यहाँ पर लाए गए हैं, ध्रुव के मौत के जो दृश्य हैं एक तरीके से, वो यहाँ पे इस कवर पेज पे लिए गए हैं। वनपुत्र आप देख सकते हैं, काल ध्वनि, बौना वामन, विभो, इसके अलावा बैक पेज पे भी अगर आप देखें तो और विलन्स हैं यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। महामानव है यहाँ पे, डॉक्टर वायरस, चंडकाल, ब्लैक कैट, हालांकि ध्रुव की विलन से कहना कितना सही है यार नहीं, बट हाँ उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा कुछ और मित्र भी हैं जो हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, जिंगालू आप देख सकते हो, सामरी है यहाँ पे, कीरीगी भी आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। 250-450 रुपये मूल्य का ये कलेक्टर एडिशन है, जो कि हमें राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की साइड से देखने के लिए मिला है। और इसके साथ हमें कुछ नॉवल्टी आइटम्स भी मिले हैं, जिसमें कि सबसे पहले ये स्केच कवर कार्ड, ये हत्यारा कौन कॉमिक्स का जो ओरिजिनल आर्ट था उसी को लेकर के ये बनाया गया है। जैसा मैंने बताया दोस्तों, ये जो कवर आर्ट है, ये जो स्केच कवर है, ये हत्यारा कौन के कवर आर्ट से ही यहाँ पे लिया गया है, जिसमें आपको बायोट्रॉन, कंकाल तंत्र के अलावा ध्रुव के और विलन्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। चुम्बा आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डॉक्टर वायरस है, सुप्रीमा है, चंडकाल है, रोबो है इस कवर पे। इसके अलावा भी नॉवल्टी आइटम्स में हमको ये सामरी का एक छोटा स्टिकर, जिसका कि प्रिंट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, साथ में ये एक स्टैम्प राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के साइड से जो हमें देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पे महामानव का भी एक स्टिकर देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, छोटा है, बहुत छोटा है, मोबाइल स्टिकर के नाम से ये नॉवल्टी हमको यहाँ पे दी गई है, बट ठीक है, काफ़ी अच्छा है देखने में, मुझे इसकी प्रिंट क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही है। और साथ ही साथ ये एक MDF मैग्नेट, ये इसका सीधा वर्जन इस तरीके से है, जिसमें ध्रुव के सारे विलन्स ने उसको कुछ मित्रों के साथ उसको घेर रखा है। इस मैग्नेट की भी जो प्रिंट क्वालिटी अगर आप देखें काफ़ी सुपीरियर है, ग्लॉसी लुक में ये आपको देखने के लिए मिल जाता है, और मैग्नेट भी खुद में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो नॉवल्टी आइटम्स को एक तरफ रख देते हैं, आप देख सकते हैं ये बुकमार्क भी बाहर निकल के आ गए, बुकमार्क में भी आपको सेम यही ब्लैक कैट वाला पोज देखने को मिलता है, और यहाँ से ये बौना वामन वाला लुक आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो कॉमिक्स की अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पे कुछ प्रीफेस पेजेस दिए गए हैं, संकलित कॉमिक्स उसकी डिटेल्स है यहाँ पे, मैंने मारा ध्रुव को, हत्यारा कौन और महामानव की गवाही। यहाँ स्टार्टिंग में भी आप देख सकते हैं ध्रुव के विलन्स ने इस पेज को सजा रखा है, यहाँ पे भी वही आर्ट कंटिन्यू करने की कोशिश की गई है इस तरफ में मनोज गुप्ता के साइड से। और कॉमिक्स के स्टार्ट में आपको ये कवर पेज देखने के लिए मिल जाता है, जिसके बाद आपकी कॉमिक्स स्टार्ट हो जाती है सेट डिटेल्स वगैरह के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें अलग अलग विलन्स अपनी अपनी गवाही देते हैं, जैसा कि आप सबको शायद पता ही होगा, और वो सब एक एक करके आके अपनी गवाहियाँ देंगे इस पार्ट में। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हमें सेकंड कॉमिक्स के रूप में हमें यहाँ पे हत्यारा कौन देखने को मिलती है, हालांकि कई और लोगों ने भी इसमें अपनी राय प्रकट की थी कि
अगर हम महामानव की गवाही जो कि बाद का एक एडिशन है अगर हम उसको यहाँ बीच में ला सकते थे तो ज़्यादा शायद बेहतर रहता, बट शायद उन्होंने जिस सीक्वेंस में कॉमिक्स से पब्लिश हुए हैं उसी हिसाब से इसको यहाँ पर भी अरेंज किया है इस कलेक्टर एडिशन में भी। बट आइडियली मेरे हिसाब से भी महामानव की गवाही को बीच में आती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अब अगर आप एक कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं एक नए पाठक की तरह तो ध्रुव यहाँ पे पहले ही बच चुका है, आपको जो भी इस कॉमिक्स का क्लाइमेक्स सस्पेंस जो भी है वो आपको पहले ही पता लग चुका है, तो उसके बाद महामानव की गवाही को पढ़ना उतना इंटरेस्टिंग शायद ना रहे, खास करके नए पाठकों के लिए जिन्होंने ये पहली बार पढ़ी होगी। बट अभी के लिए इस कलेक्टर एडिशन में ये ऐसा ही है। बोनस पेजेस देखने के लिए मिल जा रहे हैं हमको एंड में, जिसमें अनुपम सिन्हा जी ने अपना एक लेख लिखा है, सारे विलन्स के बारे में उन्होंने अपनी अपनी राय प्रकट की है। और दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी कई जगहों पे सुना होगा और फिल्म्स में या और किसी कॉमिक्स में भी, एक सुपर हीरो तभी स्ट्रांग हो सकता है जितना उसका विलन स्ट्रांग होगा। तो इससे पहले ध्रुव के जितने भी कॉमिक्स आते थे, उड़नतश्तरी के बंधक, बर्फ की चिता, मौत का ओलंपिक वगैरह, उन सब में एक मेन विलेन जो ध्रुव का एक डेडली विलेन हो सकता था उनकी शायद हमें कमी देखने को मिलती हो। हाँ, रोबो और डॉक्टर वायरस इंट्रोड्यूस हो चुके थे, सुप्रीमा भी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, बट उतने ये स्ट्रांगली डेवलप नहीं हुए थे एज कैरेक्टर्स जितना कि इस कॉमिक्स में किया गया। और सारे विलेंस को इस तरीके से एक कॉमिक्स में देखना वॉज अ न्यू एक्सपेरिमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो उन सबको लिहाज में रखते हुए ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छा एक आइडिया था, और उस आइडिया को कहानी में भी बहुत अच्छे से निभाया गया। बहुत अच्छा आर्ट वर्क हमें थ्रू आउट देखने को मिला अनुपम सिन्हा के साइड से, जैसा कि हमेशा ही रहा है। और अंत में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कवर स्टेजेस, इंक गैलरी भी देखने को मिल जाती है, और इसके साथ ही आपका ये कलेक्टर एडिशन समाप्त होता है। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया, 450 रुपये मूल्य का ये कलेक्टर एडिशन है, जिसको कि आप 10% डिस्काउंट ऑन ऑल मेजर सेलर्स इंक्लूडिंग फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन पे आप इसको ले पाएंगे। तो दोस्तों आप अपनी राय इस वीडियो के बारे में, इस कलेक्टर एडिशन के बारे में, ओवरऑल इस कॉमिक्स के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में आप कमेंट्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ये भी ज़रूर बताएं कि किसकी गवाही या किसके गवाही में जो ध्रुव का एक मौत का तरीका बताया गया था आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, या आपको लगा कि शायद उसका दावा सबसे ज़्यादा सच्चा साबित भी हो। मेरे को पर्सनली चंडकाल का जो दावा था वो काफ़ी जेन्युइन लगा, हालांकि उसको बाद में जीवित करके बचा लिया गया था ध्रुव को, बट ओवरऑल वो एक जो गवाही थी चंडकाल की वो काफ़ी खौफनाक थी एज अ रीडर, तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। उसके अलावा बौना वामन का जो एक फनी वे में सांप सीढ़ी के खेल में जो इस तरीके से वो ध्रुव को मौत देने की बात बताता है अपनी गवाही में, वो भी खुद में मुझे काफ़ी मनोरंजक लगा था। तो मैंने कुल मिला के ये कॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करी थी इनिशियली भी जब मैंने ये पढ़ा था पहली बार इसको, और अभी भी जब इसका ये कलेक्टर एडिशन हम लोगों के पास आ चुका है तब भी मैंने उतना ही इन सभी गवाहियों को इन्जॉय किया। आप भी हमारे साथ शेयर करें कि कौन सी गवाही आपको सबसे ज़्यादा मनोरंजक लगी, कौन सी गवाही आपको सबसे ज़्यादा सच्ची लगी जिसमें आपको लगा कि हाँ शायद ध्रुव वाकई में मारा गया। और इसके अलावा आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को भी एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फेसबुक पे आप हमें लाइक कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी हमारा एक छोटा सा पेज है जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमारे साथ अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं हूँ आपका दोस्त कॉमिक्स बार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।